वहीं बस्सी उपखंड के छात्र अब स्कूल में 30 भाषाएं सीख पाएंगे। इसके लिए आदर्श विद्या मंदिर में भाषा की कक्षा नामक पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत यहाँ के विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी के अलावा असमिया तमिल तेलुगु उर्दू गुजराती कन्नड़ कश्मीरी सहित 23 भाषाओं के बारे में जान सकेंगे और उन्हें सीखकर आपसी बोलचाल में शामिल करेंगे। पूरे राजस्थान में ये पहला स्कूल है जहां इस प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है। विद्यालय संचालक लालचंद शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों को अलग अलग भाषा का बोध कराने के लिए भाषा की कक्षा की शुरुआत की गई है। भाषा और को आसानी से समझ सकते हैं और वहाँ कर वहाँ की वहाँ से अच्छी तरीके से संस्कृति का ज्ञान ले सकते हैं। इन भाषाओं को सीखने से हमें बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। ग्यारहवीं कला में पढ़ती हूँ मैं। इस विद्यालय में श्री आदर्श विद्या मंदिर बस्सी में पढ़ती हूँ और हमारे स्कूल में एक या दो भाषाएं नहीं बल्कि 23 भाषाएं पढ़ाई सिखाई जा रही है, जिससे हम किसी और अन्य राज्य में जाएंगे तो उनकी उनसे अच्छी तरह से संवाद कर सकते हैं, उनकी संस्कृति को जान सकते हैं। हमारे स्कूल श्री बलराम उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में एक नहीं बल्कि 23 भाषाओं का ज्ञान दिया जा रहा है। ये जानकर हम बहुत उत्साहित हैं और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि हम इस विद्यालय के विद्यार्थी हैं। पर भारत के विभिन्न राज्यों पर लोक संस्कृति पर गर्व हो और उसी मुहिम को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री जी के उसी स्वप्न को ध्यान में रखते हुए, हमने एक प्रकार से यह संकल्प लिया कि विद्या मंदिर के बालकों को देश की 23 भाषाएँ जो विभिन्न राज्यों में चलती हैं वो सभी सिखाई जाएँ। ये आज हम बचपन से हम पढ़ते हैं कि जो भारत देश है वो विविधता का देश है और इसी का विविधता जो है वही हमारी एकता है। तो कहीं ना कहीं इसी विषय को कह सकते हैं कि यहाँ पर सब लोगों के सामने प्रदर्शित करने के लिए ये देश का पहला ऐसा विद्यालय है जहाँ पर हम लोग अंग्रेजी और हिंदी के बीच की लड़ाई को नहीं बल्कि हम ये चाहते हैं कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास जब तक नहीं हो सकता है जब तक वो देश को नहीं समझेंगे और नहीं जानेंगे, और वही देश को जानने के लिए उसकी कला संस्कृति और भाषाएँ सीखना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर अपने विद्यार्थियों को भाषा की कक्षा के माध्यम से प्रतिदिन एक वाक्य और उसका ट्रांसलेशन 23 भाषाओं के अंदर यहाँ पर सिखाने का प्रयास हम करेंगे।